देखिए, मैं इस फिल्म का राइटर हूँ और इससे पहले भी मैंने दो फिल्में की है, एक फिल्में की है और एक का मुहूर्त पहले हो चुका है। कमाल कैलस गोलगप्पा पहले कर चुके हैं और दहेज में पिस्तौल पहले, इससे पहले मेरा मुहूर्त हो चुका है। ये हमारी तीसरी मूवी है, उसकी भी शूटिंग इसी साल होने वाली है और इसकी भी शूटिंग इसी साल होने वाली है। दोनों की शूटिंग इसी साल होगी जी। हाँ जी, बताएंगे। ये कहानी एक ऐसे किसान की है जिसके दो लड़के हैं। किसान का सपना है कि वो अपने बड़े बेटे को इंस्पेक्टर पुलिस बनाए, लेकिन कुछ ऐसे हालात है कि कर्ज में डूबे हुए हैं और इसी सोच में कुछ छोटा लड़का जो है सोचता है कि अगर भैया पुलिस बनेंगे तो कैसे बनेंगे। इसके लिए वो प्रदेश निकलता है ताकि अपने भाई और पिताजी के सपने को पूरा कर सके। और इसके लिए प्रदेश निकलने के बाद वो कमाने के लिए हर संभव कोशिश करता है, लेकिन कुछ ऐसे हालात पैदा होते हैं कि वो क्रिमिनल बन जाता है। और क्रिमिनल बनने के बाद काफ़ी तबाही होती है उसकी ज़िंदगी में, बहुत भूचाल आता है। और इसके बाद वो हालात के बारे में बाद में पता चलता है कि ये हालात थे नहीं, ये हालात पैदा किए गए थे। और ये हालात किसने पैदा किया है ये आपको क्लाइमेक्स में पता चलता है। सर आप बताइए, आपका नाम और सबसे पहले मैं बोलूँ तो मेरा नाम आगे मैं पिंटू प्रेमी। और यहाँ पे जितने लोग आए हैं, मीडिया से जो भी भोजपुरी समाज के लोग हैं और जहाँ भी हमारे भोजपुरी समाज के लोग बसे हैं, उनको प्रणाम और नमस्कार। और ये हमारी मूवी है कातिल प्यार के, जिसमें मेरा ये रोल है, मैं इंस्पेक्टर हूँ। और क्या है कि हमारे प्रोड्यूसर रमेश जी है, हमारे मूवी का राइटर है मंगल जी है और अधिकतर मतलब इसमें मतलब नए लोग हैं और जो भी मतलब लोग हैं मतलब नए हैं और हम लोग अच्छे तरीके से बहुत जल्द से जल्द बनेंगे, मूवी को आगे बढ़ाने वाले हैं बहुत जल्दी, मतलब कोशिश है हम लोग आगे बढ़ाने। सर आपने सोच कर फिल्म लिखा है या फिर आपकी कहानी आपके दिमाग में पहले से? नहीं, ये कहानी मेरे दिमाग में पहले से ही थी। एक्चुअली क्या है, इसमें जो भी नए आर्टिस्ट आ रहे हैं सबके अच्छे प्रभावशाली रोल है, उनके अच्छे काम रहेंगे। और जो भी थोड़ी देर का भी किसी का भी काम है वो अच्छा है, बेहतर काम है, क्योंकि अपना जो भी है 5 मिनट का भी किसी का काम है तो वो अपना छाप छोड़ के जाएंगे। इस ढंग से ये कहानी लिखी गई है, इसलिए पुराने और नए में ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आएगा। और काम करने से ज़्यादा काम कराने वाले के ऊपर होता है, वो डायरेक्टर पर डिपेंड करता है कि कैसा काम लेना है, नया हो या पुराना हो। मेरा नाम किरण तिवारी है, वैसे तो मैं यूपी से हूँ, यूपी जौनपुर से। हालांकि इंडस्ट्री में आके मुझे 4 से 5 साल हुआ। मैं प्रॉपर अगर देखा जाए तो एक्ट्रेस बाद में हूँ, पहले मैं एक सिंगर हूँ और सिंगर होने के साथ साथ अभी मैंने एक्टिंग करना शुरू किया है। ये मेरी 6वीं मूवी है। इसके पहले मैंने मेरे बहुत सारे एल्बम्स के गाने हुए हैं, बाकी मैं TF और वेब से मैं गाती हूँ और बाकी बहुत सारी फिल्में जो कि 4 से 5 मूवी मैंने किया हुआ है, जिसमें 2 ट्रेलर हमारे अभी मार्केट में आ चुके हैं, आप लोग नेट या गूगल पे भी डाल के देख सकते हैं। और अभी बाकी की 2-3 फिल्में हैं जो कि शूट हुई हैं, धीरज ठाकुर की हैं, तो वो सारी रिलीजिंग पे हैं, जब भी हो पता नहीं है। एटलीस्ट मैम इस मूवी में मुझे सेलेक्ट किया गया है, बट आई नो मुझे पता नहीं है कि कहानी क्या है, बताया नहीं है। बस ये खुशी की बात ये है कि ये रमेश सर का प्रोजेक्ट है और इन्होंने मुझे उस चीज़ के लिए सेलेक्ट किया है, इसलिए मैंने हाँ बोला है, बट कहानी के बारे में पता नहीं है अभी। जी बताइए फिल्मों के बारे में, किस तरह की फिल्म होगी, कातिल प्यार की? पहले तो मेरा नाम रमेश सहनी है और रहने वाले बनारस में, नए लोग को चेहरा दिखाना चाहिए, नए लोग को भी मौका मिलना चाहिए। कहानी के बारे में अपना नहीं कुछ मालूम है, जो भी राइटर साहब दिए हैं वही है और हमारे बिंदेश सर हैं। हालांकि देखा जाए कहानी का जहां तक प्रेस इतना पता है कि लव है, थोड़ा कॉमेडी है,
और इस टाइप से मिला के कहानियाँ हैं जो कि आगे आएंगी तो आप लोगों को देखने में आएगा तो अच्छा लगेगा। आप गाना भी गाती हैं? जी हाँ, गा सकती हूँ। मैंने एक अभी मेरी एक मूवी शूट हुई थी कि हमार प्रेम लगन, उसके उस मूवी में भी दो गाने मैंने अपने खुद से गाए थे। और एक गाना मेरा है जो कि मार्केट में मेरा बहुत अच्छा जाता है, उसका मैं दो लाइन सुना दे रही हूँ आप लोगों को। हम हूँ तो है कि अपने दिल से मान लेहनी सजन हो, पिया पिया अब चारों पहरिया बोलता धड़कन हो, रात सुनहरी में ओढ़ के चुनरी, रात सुनहरी में ओढ़ के चुनरी गावे लाई मन मिलन, चांद के जैसन बचेहरा फूल के जैसन बदन, चांद के जैसन बचेहरा फूल के जैसन बदन। मेरा गाना बहुत अच्छा रहा, बहुत सबसे पहले तो मैं अमन श्लोक आप सब तमाम मीडिया कर्मियों को शानदार इस्तकबाल करता हूँ। आपने इस इवेंट्स को कवरेज किया है और इतना शानदार इस कार्यक्रम को आपने बनाया। फिल्म के मुहूर्त में मैं आके बहुत खुश हूँ और मुझे लगता है कि ये बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनेगी। नए नए कलाकारों को लेके ये फिल्म बनने जा रही है और नए कलाकारों में क्या होता है कि जोश बहुत होता है, बहुत उनके अंदर एनर्जी बहुत है, एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा है। तो मैं बहुत खुश हूँ और बहुत मेरी शुभकामना है कि विदेश कुमार एक नई पारी खेलने जा रहे हैं एक्टिंग के साथ साथ, इसमें वो डायरेक्शन भी कर रहे हैं और मैं बहुत सालों से उनको पहचानता हूँ और बहुत ही मेहनती हैं, बहुत ही लेबोरियस है और मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। और मैं इस फिल्म में म्यूजिक कर रहा हूँ, मुझे उसने याद किया है तो निश्चित रूप से मुझे करना होगा। और नेचुरली मेरी बहुत जिम्मेदारी बनती है कि जब बहुत बड़ा सुपरस्टार हो और नए कलाकार हो, हीरोइन जैसे नई नई तीन हीरोइनें हैं इसमें और एक हीरो है, तो नेचुरली मुझ पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। संगीत बहुत बड़े कैनवास का बनाना होगा, तो बहुत बहुत शुभकामना और आप लोग आए इसलिए आप लोगों को भी बहुत बहुत आभार। नमस्ते, मेरा नाम रागिनी चौरसिया है और मैं पिंकी जी को बहुत टाइम से जानती हूँ, बहुत सारा काम हमने साथ में किया, सो बहुत लॉन्ग टाइम के बाद हम एक अच्छी सी फिल्म करने जा रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। और इन लोगों ने इतना अच्छा जो भी अभी से इनकी मेकिंग चल रही है तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि फिल्म बहुत अच्छी बनेगी और हमें काम करके भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं ये मानती हूँ जब तक जो हम काम कर नहीं लेते तब तक हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो मैं कर चुकी हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। मैंने सीरियल्स किया हुआ है, कंटिन्यू आता था शक्तिपीठ के भैरव, बिग मैजिक का शो है और एक मैंने किया काल हुरा रहस्य सीज़न वन में कर रही थी, सो अभी सीज़न टू की बात चल रही है सो हो सकता है मैं उसमें काम करूँ। बाकी ऐसे सावधान इंडिया वगैरह और क्राइम पेट्रोल ये सारी चीज़ें मैंने की हैं और भोजपुरी में मैंने एक फिल्म किया था जय वीरू जो कि मार्च अप्रैल में रिलीज़ हो रही है, डेट अभी मुझे कंफर्म नहीं है सो अभी जैसे कंफर्म होगा वैसे मैं अपनी फेसबुक आईडी रागिनी चौरसिया के नाम से है मेरी आईडी, सो मैं उस पर बता दूँगी कभी रिलीज़ हो रही है। बहुत ही उमदा और अपने यूपी बिहार के लोगों को जो पसंद आता है, कैची नंबर हो, गाना फास्ट हो, यंग जनरेशन के लोगों को पसंद आए। मेरी कोशिश होगी कि बहुत साफ सुथरी फिल्म हो, बहुत बढ़िया गाना हो, साफ सुथरा गाना हो, वल्गर ना हो, क्योंकि मैं इस चीज़ का बहुत विरोधी हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आएगा। 7-8 गाने होंगे मुझे लगता है ऐसा, लेकिन आज स्टोरी पे हम 2-4 दिन के बाद बैठेंगे,
पूरी जानकारी मुझे नहीं है, मगर कातिल प्यार के जो है बहुत ही रोमांच, बहुत ही इसमें मैं लोग म्यूजिक का बहुत स्कोप है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस फिल्म के लिए कि मुझे कुछ बेहतरीन, कुछ और बेहतर कराना। हालांकि मैंने 70-80 फिल्मों में संगीत दिया है, पवन सिंह, दिनेश जी और भोजपुरी के जितने स्टार हैं, और हिंदी में आपने भी मेरा एक गाना सुना हुआ, थम के बरस मेरा महबूब आने वाला है। मगर इतना काम करने के बाद भी एक उम्मीद रहती है कि कुछ और बेहतर करना है, कुछ और नया करना है, समथिंग कुछ इनर्जेटिक बनाना है। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस कातिल प्यार के फिल्म के लिए गाना जो मैं बनाऊँ वो मेरे सारे फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़े ये फिल्म, यही मेरी मंगल का। थैंक यू मैम। सबसे पहले अपने बारे में दर्शकों को बताइए, आप दोनों का परिचय दीजिए। जी नमस्कार। सबसे पहले सारे श्रोतागण को मैं दिल से प्रणाम कर रहा हूँ। नीलम जी हैं और आप सारे जो भी मीडिया, हम सबको दिल से नमस्कार करते हैं। मेरा कहना यह है कि मेरा परिचय मैं आपको बताता हूँ। मेरा नाम बिंदेश कुमार है। इस फिल्म के हीरो और डायरेक्टर और थोड़ा मोड़ा सिंगिंग भी कर लेते हैं। हाँ, सिंगिंग में भी है, कुछ गाने गाए हुए हैं। सबसे बड़ी बात है इस पिक्चर को लेकर मैं काफ़ी खुश हूँ। है पेशेंस भी है हमारे, लेकिन मैं बयां नहीं कर सकता। कुछ ऐसी मजबूरी है कि हम बोल नहीं सकते, मीडिया आप लोग श्रोतागढ़ को बता नहीं सकते कि क्या मजबूरी है हमारी, लेकिन बहुत खुश हूँ इस पिक्चर को लेके। ये जो कातिल प्यार के है, वाकई में स्टोरी इतनी अच्छी है कि मैं बोल नहीं सकता हूँ। शायद मेरे पे कुछ ये घटना घटी है, इसके लिए जो हमारे राइटर से विचार हुआ कि नहीं, ऐसी पिक्चर बनानी चाहिए। जो इसके प्रोड्यूसर हैं रमेश जी, रमेश सहानी जी, और डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर जो अपने हैं अमन सुलक जी, और कैमरामैन टीके शर्मा जी। कुछ अच्छा करने का हमने सोचा है और कहानी बहुत अच्छी है इसमें, नो डाउट। और जो नीलम जी है काफ़ी मेहनती है। मुझे अच्छी लगी कि इनका जो भी गाना या वीडियो एल्बम देखते हैं काफ़ी प्यारा लगता है। मुझे एक्टिंग इनकी बहुत अच्छी लगती है, इतना तो शायद मैं अच्छा नहीं करता हूँ, मैं एज ए हीरो ठीक है अच्छा। अरे आपने सही पूछा कि उनकी तरफ नहीं कर सकते, क्योंकि वो हीरोइन है, हीरोइन का डिमांड है। हीरो को कौन पूछता है, हीरो को बड़े स्टार लोग को पूछे जाते हैं, छोटे लोग ठीक है कोशिश कर रहे हैं। स्टार तो कोई बन के नहीं आता, यही धरती पर बनना है सबको। जैसा आपने कहा कि आपके ऊपर घटना होगी, क्या ये आपके जीवन पर आधारित फिल्म होगी? कुछ मैं चाहूँगा सबसे पहले आप भोजपुरी में थोड़ा बोल दें, कुछ हमारे जो भोजपुरी श्रोता भी हैं जिनके देखी लोगी ये कहानी हमारा पर बाटे, लेकिन अमेजोन घटना बाटे कुछ हमार और हमार दोस्त के साथ में घटल बाटे। लेकिन ना हमें के अपन खुद के जीवन से ना लेके, बल्कि एक पिक्चर काल्पनिक बाटे और में सब कुछ बा, एक्शन, ड्रामा, रोमांस, हर चीज़ रहुआ सबके देखे के मिली। पिक्चर में सबसे बड़ी बात बाकी कि वो स्टार तो बाना, अभी जॉन समझ ली हम ये बानी जा नया आदमी। तो नया आदमी होए के बावजूद भी हमें कोशिश करें एज ए हीरो ना, एज ए डायरेक्टर, कैसे कि हम कोशिश करें कि हमारी पिक्चर बहुत अच्छा बनी और रउआ लोगों के काफ़ी पसंद आई और रउआ लोगों के खूब ढेर सारा प्यार दें। और सबसे बड़ी बात ये पिक्चर में जौन हमारे खास मित्र है पिंटू जी बानी वहाँ के, और जैसे भी हमारे काफ़ी लोग बा, हम जेकर सब नाम काली हुई, रमेश जी हैं, दिनेश जी हैं, सूरज हैं, मतलब तमाम हैं, रिंकेश शर्मा हैं जो हमारे फ्रेंड हैं, विलन हैं इस फिल्म में, काफ़ी लोग सहयोग दिए हैं इस फिल्म के लिए। और ये पिक्चर का ऐसा कोई हम बजट क्रिएट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ इतना है कि ये फिल्म हम सिनेमा तक पहुंचाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। विदाउट स्टार के इसके पहले हम लोग ने एक फिल्म किए थे कमाल क्लस गोलगप्पा, उसका हीरो खुद है, उसके विलन भी आए हैं और उसके डायरेक्टर तो हमारे बीच में नहीं है विजय के सोलंकी, लेकिन उस फिल्म में समझ लीजिए डायरेक्टर है ही नहीं। डायरेक्टर का काम होता है कि एंड तक उसका भूमिका निभाए, लेकिन हमारे साथ ये घटना हुई, पिक्चर आधे अधूरे में छूट गई, यानी पोस्ट प्रोडक्शन से पिक्चर को लेके जाने की जिम्मेदारी आ गई हमारे ऊपर।
तो काफ़ी परेशानी हुई। और डायरेक्टर में आने की मेरा वजह वही है, हम नहीं आते, हमको शौक नहीं है डायरेक्टर में। आप सबसे हम बोल रहे हैं कि हमको कोई शौक नहीं है कि हमको डायरेक्टर बनूं, लेकिन मुझे भरोसा नहीं है अभी। इसलिए भरोसा नहीं कि एक डायरेक्टर चाह रहे हैं कि प्रोड्यूसर को डुबा दे रहे हैं, हम लोग डूब गए उसमें। हम एक काम नहीं करने देंगे और हमसे जितना होगा हम कोशिश करेंगे कि अच्छा करें। जो हम दूसरे को मेहनत करते हैं, दूसरे को बदौलत जाते हैं, वो हम कभी गलती नहीं करेंगे। इसके लिए मैं खुद एज एक एक्टर होने के बावजूद मैं बोला कि नहीं, कि इस पिक्चर का मैं खुद डायरेक्टर रहूँगा, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है। भरोसा इसलिए नहीं है कि एक प्रोड्यूसर बेचारा कहाँ से, हम लोग कहाँ कहाँ से 2 रुपये ला के हम लोग देते हैं, बताइए। उसका अगर पैसे का थिएटर तक मूवी नहीं जाती है, बेचारा डब्बे में चली जाती है, उस मूवी का हम करेंगे क्या? वो डूब जाता है, ना मानता है कि अरे भाई आपने ऐसा कर दिया, ये गलत है, हम ये सब नहीं चाहेंगे। ठीक है नीलम जी, आप अपने बारे में बताइए। नमस्कार, नमस्कार, मैं हूँ नीलम दुबे। मैं तो फिलहाल तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि मेरा फर्स्ट। बोलिए। एक्चुअली मैंने इससे पहले बहुत सारी मूवी किया है, मुझे सेकंड लीड किया है, ये फर्स्ट मूवी है जिसमें मैं लीड कर रही हूँ। बहुत खुशी हो रही है। बस बताना चाहिए कौन सा मूवी किया है? एक मैंने किया है करबिया कचहरी में, जो सेकंड लीड है। और इससे पहले मैंने 2 मराठी मूवी की है। तो पता नहीं है, मैंने स्टोरी पढ़ी नहीं है। देखिए भूमिका के बारे में मैं बता देता हूँ। इस फिल्म में 2 हीरोइन है, यानी कुल मिला के 3 हीरोइन है इस फिल्म में। फिलहाल मैं ओपन कर देना चाहता हूँ, एक लीड खुद एक खुद कर रही है, एक हीरोइन का रोल खुद नीलम जी निभा रही हैं, और उसके साथ साथ ये खुद अच्छी सिंगर है। आप चाहें तो टेस्ट कर सकते हैं, कुछ सुन सकते हैं। बाकी अच्छी एक्ट्रेस है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। अब बस देखते हैं वह जनता जनार्दन को कैसा लग रहा है हमारी मूवी। इनकी जो एक्टिंग है मुझे बहुत अच्छी लगी। ये देखिए इसका लोकेशन, हम पूरा बिहार है लोकेशन, आउटडोर 1 शेड्यूल, और ये जाएगी अपने फ्लोर पे। पिक्चर जा रही है अप्रैल या मई में निकलेगी। अप्रैल मई में जाने की पूरी तैयारी चल रही है। अभी देखते हैं माता रानी क्या सहयोग देती हैं। कोशिश तो बोलने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन नहीं, हम बोलने वाले में से नहीं हैं। कोशिश करेंगे, अगर आप सब लोग का साथ रहे, ऑडियंस पब्लिक का साथ रहे, तो पिक्चर को हम जरूर सिनेमा घर तक पहुंचाएंगे। और बोलिए मैम। चलिए सुनाइए। अरे कोई भी गा दो, जोर गा दो, हिला दो जिला। चलिए, क्या बात है। क्या बात है, आप देखते रहे। एक कड़ी हम भी सुना देते हैं। हम भी सैड सॉन्ग के बहुत मतलब आशिक हैं। अपना गाया भी ये कुछ सुना देते हैं, या तो बोलिए तो कुछ हिंदी फिल्म का सुना दें, कोई भोजपुरी सुनाते हैं। तो ये अभी एक हमने गाना मतलब अभी इसके पहले किया था, जो कैश फिल्म से हमने रिलीज किया था। हो जाने जान जान कही के नीलम जी, हाँ ये हो जाने जान जान कही के दीवाना बना गयू, कहे दुख संगे बिताएबू, कहे दुख संगे बिताएबू, उ हमके रुला गयू। हो जान 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 कह के दीवाना बना गयल। नमस्कार, सलाम, सलाम। भोजपुरी समाज, आप सबके छोटे भाई एक्टर अजय शर्मा, और हमें फिल्म में मौका मिला, पिंटू जी ने हमें मौका दिया है। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इस फिल्म के अंदर हीरो का दोस्त का रोल मिला है। एक बहुत अच्छा रोल है, और ऐसे ही है सब कुछ। बहुत अच्छी फिल्म बन रही है,
और हमारे जो है मैं छोटा मोटा एल्बम भी बहुत सारा किया हूँ और काफ़ी एल्बम मतलब दो तीन एल्बम अपना हिट है, जाता रुपया जी के घर हो ये सब 18-20 मिलियन पहुँच चुका है और भी एल्बम हम लोग कर रहे हैं और इस फिल्म में मौका मिला है तो बहुत हम लोग बहुत खुश हैं और ज़्यादा तो सपोर्ट नहीं है पर अपने बड़े भाई का सपोर्ट में है, बड़े भाई सपोर्ट करते हैं हमारे और घर वाले का उतना सपोर्ट नहीं रहता है। बट अभी पिंटू जी ने हमको मिले, एक मीटिंग में हम लोग मिले, बातचीत हुआ उनका, वो लोग बोले, उन्होंने मौका दिया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम सबको तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। थैंक यू सो मच भैया लोग और हमारे इंस्पेक्टर जी हैं फिल्म के अंदर। आप क्या कहेंगे आप बताइए। सबसे पहले मेरा नाम आबिद अली सलमानी यूपी के हैं और संगीत से जुड़े सभी भोजपुरियों को मेरे तरफ से नमस्कार और मेरा हम लोगों का मूवी आ रहा है उसका नाम है कातिल प्यार का, इसमें मेरा करेक्टर है पुलिस इंस्पेक्टर का और इसमें सब लोग नए हैं और नए के साथ करने में मज़ा आएगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। निकेश शर्मा है, मैं फिजिकली यूपी से हूँ लेकिन रहता हूँ। इससे पहले मैंने 2-4 फिल्मों में भी काम किया हुआ है। सामने 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 देखिए। इससे मैंने बहुत सारे फिल्मों में काम किया हुआ है, भोजपुरी फिल्मों में प्लस मराठी फिल्मों में और बहुत सारे अपने एल्बम में भी मैंने काम किया हुआ है। एक फिल्म में मैंने काम किया था उसके पहले जिसका नाम था कमाल प्लस जगह का, जिसमें मैंने विलन का काम किया हुआ है और जो इस फिल्म में जो आपको हीरो दिखाई दे रहे हैं वो भी उस फिल्म में हीरो थे, मेरे मित्र भी लगते हैं। और उस फिल्म के बाद अभी मुझे एक ऑफर मिला है जो इस फिल्म का नाम है कातिल प्यार के, इसमें भी मैं विलन का ही रोल कर रहा हूँ और मैं आप सभी लोगों से विनती करता हूँ कि ये फिल्म बन जाने के बाद आप लोग ज़रूर एक बार इसको देखने के लिए आइएगा। हम लोग अपनी पूरी कोशिश लगा के इस फिल्म को बना रहे हैं, जोर शोर से बना रहे हैं। फिल्म बहुत अच्छी है, बहुत ही मस्त है, आप लोग ज़रूर एक बार आइएगा। बाकी के हमारे आपको ये बताइए सर। नमस्कार, मेरा नाम सूरज दीवाना है, मैं इस फिल्म में दोस्त का रोल कर रहा हूँ। मेरा इसमें रोल बहुत अच्छा है, हमारे जो डायरेक्टर है बिंदेश सर वो हमारे गुरु हैं, मैं उसका चेला हूँ। इधर बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ सर, दोस्त का रोल कर रहा हूँ लेकिन दोस्त बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। हाँ मैं सर इसमें दोस्त का रोल कर रहा हूँ। यही सर। बिंदेश सर। ओके, थैंक यू। थैंक सबसे पहले मैं बहुत आभारी हूँ आप सबका और जिसमें रमेश जी हमारे प्रोड्यूसर, पिंटू जी हमारे सह निर्माता, इन सबका योगदान है और ये हम सब लोग ये चाह रहे हैं कि हमारा मीडिया के सामने तीनों एक साथ बैठने का यही मतलब है कि हम लोग एक कोशिश करेंगे कि ये फिल्म टूटे ना। क्या बोल रहे पिंटू जी, क्या बोले रमेश जी आप पिक्चर के बारे में, क्या ये मतलब है? तो अब तक देखिए मैं इसको है कि मई में डिसाइड कर दिया हम लोग शूट पे चलना है तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारे तीनों में कुछ आपसी मतभेद हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि जनता जनार्दन को हम बता रहे हैं सामने, तीन मजबूत चीज है, मतलब हम लोग आज तक लेके जाएंगे। सुनिए क्या बोल रहे हैं, मतलब हम लोग जो भी कुछ करते हैं ना, एल्बम का शूट करते हैं चाहे मूवी की तैयारी करते हैं तो हम लोग तीनों आदमी मतलब आपस में मीटिंग करते हैं और आज तक बहुत मतलब हम लोग एल्बम भी किए हैं, SRK से है, वेब से है, RCM से है, बहुत सी कंपनियां है। KS फिल्म प्रोडक्शन अभी अपना ये नया चैनल है, हाँ, जो इससे भी मतलब हम लोग मतलब अपना वीडियो डालते हैं और कुछ पब्लिक सिटी के लिए मतलब वेब को देते हैं, SRK को देते हैं, बड़ी कंपनी को भी देते हैं और हम लोग जो भी करते हैं तो मिल तो आपस में करते हैं। और इस मूवी को मतलब हम लोग प्लानिंग था कि मतलब मार्च में हम लोग इसका मतलब ये करें, शूट करें जी जी, और नेपाल में वीरगंज लोकेशन है और बिहार, हाँ बिहार, और बिहार में बेतिया है, यूपी में सिद्धार्थ नगर, और बहुत कोशिश है बहुत जल्दी मतलब हम लोग इस मूवी को आगे बढ़ाने वाले हैं और बहुत जल्दी मतलब करेंगे। और जनता जनार्दन से हमें रिक्वेस्ट है
कि इस मूवी को आप लोग जब हम हो जाएंगे तो हमारा हर महीने में जैसे हमारा पोस्ट प्रोडक्शन या शूट पे जाएंगे तो हम आप लोग से वादा करते हैं कि हमारा हर एक दिन छोड़ के दूसरे आप लोग को पेपर के जरिए यूट्यूब के जरिए यानी सोशल मीडिया जो भी हमारे ट्विटर्स जो भी हम लोग अपना आपके पास पहुँचाते रहेंगे। या आपने जो विराज जी है अभी हमारे LNB जो मीडिया पार्टनर इसका जो डिजिटल मैनेजर है विराट शर्मा जी उनके जरिए आपके पास आते रहेगा। तो दोस्तों थैंक यू धन्यवाद। मैं दीपक गिरी दिलराज सबसे पहले मैं भोजपुरिया समाज को प्रणाम करता हूँ और मैं एक सिंगर हूँ। बहुत सारे एल्बम निकाले हैं और पिंटू भाई इस मूवी में हमको पहला मूवी है हमारा और इस मूवी में देखिए जो भी एक्टिंग है जो भी करने का है अभी इसका अभी बताया नहीं है और इस लालूनाम मूवी में काम करने वाले हैं प्यार के खाते में अभी इसके आगे देखिए क्या बोल रहे हैं जी। मैं एक सिंगर हूँ दीपक गिरी दिलराज और बहुत सारे एल्बम निकाले हैं कुछ इसमें हिट भी है और इस मूवी में प्यार के कातिल में इस पिक्चर में मूवी में काम करने का भी मौका मिला है और इससे मैं बहुत खुश हूँ। और हमारे सबसे ज़्यादा सपोर्टर इसमें हैं सपोर्ट किए हैं पिंटू भैया और उनको मैं दिल से भी मानता हूँ कभी भी। एक अच्छी मूवी है जो डायरेक्टर है अच्छा संबंध रहा शुरू से अच्छे दोस्त रहे हैं और अच्छे एक्टर भी रहे हैं ईश्वर की मूवी बहुत अच्छी होगी और स्क्रिप्ट पे काम होते बोले तो उन्होंने स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छी है राजेश बहुत अच्छी प्यारी स्क्रिप्ट है एक ऐसी फिल्म में बहुत कम बनती है उन्होंने बोला था बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है बहुत अच्छा है उनका तो है ही अच्छे एक्टर रहे हैं तो अच्छे फिल्म भी होती है अच्छे डायरेक्टर होगी। मैं भी काम करूँगा तो कोशिश करूँगा कि एक अच्छा काम करूँ जिससे सबको अच्छा लगे। अच्छा रोल है सशक्त रोल है करके बताएंगे पहले बता दी तो मजा करके रह जाएगा इसलिए कुछ करके बताएंगे लेकिन शुक्र है कि अच्छी स्क्रिप्ट है और आप लोग देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा।